हेलो दोस्तों, मैं सुमित छापक ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक गांव में विज़िट पे आए हैं, तो हम आपको दिखाएंगे कि गांव की लाइफ क्या होती है। तो जस्ट हम देखेंगे कि गांव में किस तरह से खेती होती है और कितना आनंद भरा फील होता है खेतों पर जाने के बाद। तो आइए चलते हैं फिर खेतों की तरफ। क्या हाल है मित्रों, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त और होस्ट छापक स्वागत करता हूँ छापक ब्लॉग्स में। तो गाइस, आज हम गांव के जीवन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि शहर में बहुत भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी, साथ ही साथ पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम फेस कर रहे हैं। तो कभी कभी यार ज़िंदगी शांत भी होनी चाहिए। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, एक दो लेक दूर दूर का तक कहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे बड़ी सुकून और शांति सा है। बाकी एक्सप्लोर करते हैं हम वीडियो में। अभी जो हम देख रहे हैं ये है, आलू की खेती कर रखी है इन्होंने। तो आलू की खेती का जो रूट्स होता है वो हम लोग खाते हैं, मतलब कि रूट्स में लगता है आलू। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत दूर दूर तक ये आलू की खेती कर रखी है। बीच में वो एक आंटी जी लगी हैं, वो कर रही सफाई, जो एक्स्ट्रा घास वगैरह होती है वो काट के उसकी सफाई। ये ट्यूबवेल भी लगा रखा है इन्होंने, बड़ी शांत साफ सुथरी ज़िंदगी है। पीली पीली जो आप देख रहे हैं ये सरसों की खेती हो रखी है। गेहूं की खेती में सरसों की खेती। ओके, अब हम देखते हैं कि ये है एक पेड़ बरगद का जो काफ़ी वर्षों पुराना है। इसकी मैं आपको एग्जैक्ट एज तो नहीं बता सकता, बट लगभग 40 से 50 के समथिंग होगा, वर्षों पुराना होगा। देख सकते हैं कितना फैला हुआ है काफ़ी सारा। इसकी जड़ देखिए कितनी मोटी है, और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं जो शायद जिससे सभी लोग अवेयर नहीं होते। ये है, चलिए चलते हैं उसकी तरफ। गांव के लोग सारे जानते हैं, बट शहर के काफ़ी लोग इसको नहीं जानते होंगे। इसको बोलते हैं रिजुका, बरसीम भी बोलते हैं, जो कि जानवर खाते हैं। और ऐसा ही पत्ता होता है मूंगफली का, तो कंफ्यूज ना हो। मेथी भी समथिंग ऐसी ही दिखती है, बट मेथी थोड़ी छोटी होती है, इस वजह से उसको पहचान लिया जाता है। आमतौर पर पहले गांव में घास हुआ करती थी जो खेत की तरफ मैड होती है, तो वहाँ बहुत सारी घास मिलती थी खाली खेतों में। घास ख़त्म होने के कारण ये एक आर्टिफिशियल तरीके से घास उगाई जाती है जानवरों को खिलाने के लिए। हरा चारा भी है जिससे जानवर दूध अच्छा देते हैं। उनको फीडिंग करने के लिए ये रिजका का उत्पादन किया जाता है। ये खेत है, खेतों के बीच में सड़क है, बहुत ही अच्छी सड़क है। आई थिंक कनेक्ट करती है 3 से 4 गांवों को एक दूसरे से, पक्की सड़क है। ये देखिए लेडीज़ काम कर रही हैं खेतों में। आलू में कभी कभी चारा हो जाता है, तो वो चारा निकालना ज़रूरी हो जाता है, जो कि आलू को नुकसान नहीं पहुंचाता, जानवरों के लिए भी अच्छा होता है, तो निकाल लेते हैं उसको मजदूर लोग। दूर दूर तक खेत ही खेत दिखाई देंगे आपको, यहाँ पर कोई सिंगल मकान नहीं दिखेगा, खेत और ट्यूबवेल। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, गेहूँ, गेहूँ की खेती है ये। आई थिंक ये बेजर भी हो सकती है, गेहूँ है ये, बट ये गेहूँ है, क्योंकि बेजर थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसकी जो बाली होती है उस पर बाली थोड़ी सी बड़ी होती है।
तो यहाँ जो खेती कर रखी है लोगों ने कर रखी है ये सरसों की, दूर दूर तक आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पेड़ अभी कच्चा है और इसके पीछे जिन पे ये पीले वाले फूल नहीं है ये पक गई है ब्राउन कलर की जो आपको दिखाई दे रही होगी। इसके बाद इसकी कटाई होगी, फिर इससे सरसों निकाल ली जाएगी। गांव का ये क्षेत्र ऐसा आ जा दूर दूर तक आपको खेती ही दिखने वाली है। बहुत सही लगता है गांव में जब यहाँ पे शांति होती है, वाहन भी नहीं है इतने, हवा की आवाज़ सुनाई दे। आपको बस हवा की आवाज़ सुनाई देगी। दूर दूर तक कोई एक दो बंदे दिखाई देंगे जो खेती करने वाले जो होते हैं या देखभाल करने वाले।